एलोन मस्क। बेशक आज ये इस दुनिया का एक ऐसा शख्स है जिसके जैसे अगर 8 से 10 लोग इस पृथ्वी पर और आ जाएं तो वो इस पूरी दुनिया को ही बदल दें। मेरी इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना नहीं है कि एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर की संपत्ति है, क्योंकि जिस शख्स के लिए पैसा मैटर ही नहीं करता उसके पैसों के बारे में चर्चा करने से क्या फायदा। आज हम बात करेंगे एलोन मस्क की कंपनीज के बारे में, उन कंपनीज के बारे में जो इस दुनिया को ही बदल देंगी। जी हाँ, वही कंपनीज जो इन्हें इस सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी बनाती हैं, जिनका मकसद पैसे कमाने से कहीं ज्यादा हमारी लाइफ को इजी, प्रोग्रेसिव और कंफर्टेबल बनाना होता है, जिनके हर एक इन्वेंशन का उद्देश्य दुनिया में पॉजिटिव और एनवायरनमेंट फ्रेंडली चेंजेस लाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलोन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था, जहां पर ये पले बड़े थे, एंड इसके बाद ये 17 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ, जो कि कैनेडियन थी, उनके साथ कनाडा चले आए और इन्हें अपनी माँ के थ्रू कनाडा की सिटीजनशिप भी मिल गई और फिर यहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में बैचलर्स डिग्री हासिल की। इसके बाद ये कैलिफोर्निया चले गए पढ़ाई करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लेकिन इन्होंने 2 दिन बाद ही ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि इनकी मनपसंद चीज इनको बुला रही थी कुछ बड़ा करने के लिए, यानी इनका कंप्यूटर। और इन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी जिप 2 को खोला, जो कि न्यूज़पेपर्स को ऑनलाइन सिटी गाइड प्रोवाइड कराती थी, जिसे बाद में कॉम्पैक ने खरीद लिया, जिसमें इनको $22 मिलियन मिले। एक यंग एज में जब लोग डिग्री लेकर जॉब ढूंढते फिरते हैं, तब इनके पास $22 मिलियन थे जो कि इनके खुद के थे, लेकिन ये उनको लेकर रुके नहीं और 1999 में x.com नाम की एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी खोल दी, जो कि 2000 में कन्फिनिटी के साथ मर्ज होकर पेपाल बनी, जिसे आज हम सब पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, जिससे इन्होंने ही पहली बार रूबरू कराया था हमें, जो कि आज इतना ज्यादा पॉपुलर है ये कंपनी और ये सिस्टम। हालांकि 2002 में ईबे ने इसे $1.5 बिलियन में खरीद लिया था, जिसमें से इनको $165 मिलियन मिले थे। पर इसके बाद इन्होंने जो कंपनी बनाई और अपने क्रिएटिव और फ्यूचर प्रेडिक्टिव आइडियाज से उनको बुलंदियों तक ले गए, वो सच में इन्हें रियल लाइफ का आयरन मैन बनाता है, जिनको हम एक एक करके समझने वाले हैं। स्पेस एक्स। 14 मार्च 2002 यही वो तारीख थी जब एलोन ने स्पेस एक्स कंपनी को शुरू किया था, लेकिन असल में ये इसे शुरू नहीं करना चाहते थे, बट शुरू किया क्योंकि इनकी स्टोरी ही कुछ ऐसी हो गई। दरअसल 2001 में ये पेपाल से अलग होने के बाद रसिया गए अपने इस विजन्स के साथ कि मार्स पर रॉकेट्स को भेजेंगे और वहां पर ग्रीन हाउस और प्लांटेशन करने के एक्सपेरिमेंट करेंगे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहां पर इन फ्यूचर ह्यूमन को बसाया जा सकता है या नहीं। लेकिन रसिया से इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि उन्होंने कहा कि हम एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स $21 मिलियन में देंगे, जो कि इनको अफोर्डेबल प्राइस नहीं लगा क्योंकि इनको सिर्फ एक मिसाइल नहीं चाहिए था। इस प्रकार इन्होंने निराश होकर अपने जो पैसे थे उन्हें रॉकेट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे एक बार फिर से इन्हें रशियंस द्वारा अप्रोच किया गया, बट फिर से उन्होंने एलोन को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि ये तो एक यंग लड़का है और ना ही इसके पास कोई रॉकेट साइंस की डिग्री है और ना ही कोई फॉर्मल एजुकेशन। तो पता है एलोन ने इस पर क्या कहा? आई थिंक वी कैन बिल्ड अ रॉकेट अवर सेल्फ, हम खुद अपने लिए रॉकेट बना सकते हैं, और अपनी ये कंपनी खड़ी कर दी स्पेस एक्स, जो कि आज दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए हैं और लो कॉस्ट में सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया है, और पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने नासा तक के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, और आज ये कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जैसे स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को इतना ज्यादा कम कर देना कि एक नॉर्मल इंसान भी स्पेस ट्रेवल को अफोर्ड कर सके। ये कंपनी इंसानों को मार्स पर बसाने का प्लान कर रही है, और एलोन के मुताबिक 2024 में वो मार्स पर कार्गो स्टारशिप को लैंड कराएंगे,
और 2026 में दो क्रूड स्टारशिप्स को, जिसमें इंसान पहली बार मार्स की जमीन पर कदम रखेंगे। इसके अलावा ये इंसानों को पृथ्वी के किसी भी कोने में चंद मिनटों में पहुंचाएंगे, ना कि घंटों में। अपने अर्थ टू अर्थ ट्रांसपोर्टेशन प्लान के थ्रू लोगों को स्टारशिप में बैठाया जाएगा और उन्हें रीयूजेबल रॉकेट से लॉन्च करके दुनिया के किसी भी कोने में लैंड करा दिया जाएगा। ये प्लान कितना फ्यूचरिस्टिक लगता है ना? पृथ्वी के किसी भी पार्ट में हम पहुंच जाएंगे, वो भी चंद मिनटों में। स्टारलिंक, दरअसल स्टारलिंक एक्चुअल में कोई कंपनी नहीं है, बल्कि ये स्पेसएक्स द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला इलॉन का एक सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराने वाला बिजनेस है, जो कि लोगों को सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस देगा। बट इसमें मेन नोटिस की जाने वाली बात है इसकी स्पीड। जहां आज हमें एक नॉर्मल इंटरनेट स्पीड 10 से 15 एमबी पर सेकंड मिलती है, वो बढ़कर 1 जीबी पर सेकंड हो जाएगी, और ये आपको दुनिया के किसी भी कोने में मिलेगी, चाहे आप पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच हों या अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के। और इसके लिए इलॉन मस्क 42,000 सैटेलाइट अर्थ के लो ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे, जिसमें से 2500 से ज्यादा सैटेलाइट अभी तक ये लॉन्च कर चुके हैं और 4 लाख से ज्यादा यूजर्स इस इंटरनेट एक्सेस का यूज कर रहे हैं, जिसका फायदा वो तो उठा ही रहे हैं, साथ ही इसका फायदा इलॉन मस्क भी उठाएंगे एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके। टेस्ला, हम सभी ये जानते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया से फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएगा और उस टाइम पेट्रोल और डीजल का प्राइस आसमान छू रहा होगा। साथ ही आज जो ये इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उसमें भी फॉसिल फ्यूल्स का ही हाथ है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है टेस्ला मोटर्स, जिसको ओन करते हैं इलॉन मस्क, जो कि आज दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कार मेकर कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे कार्स और ट्रक इनको मैन्युफैक्चरर्स करती है। साथ ही यह फ्यूचरिस्टिक ड्राइवरलेस कारें बनाती है, जो कि हमारे फ्यूचर को ही चेंज कर देंगी। सोलर सिटी, दरअसल इलॉन मस्क पृथ्वी को कार्बन न्यूट्रल प्लेनेट बनाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने टेस्ला को बना दिया, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी कंजम्पशन पर काम करती है। पेट्रोल और डीजल का झंझट ही खत्म कर दिया, सब कुछ इलेक्ट्रिक चलेगा, और इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कराने के लिए सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन कंपनी सोलर सिटी को 2016 में एक्वायर्ड कर लिया, जो कि सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरर्स कंपनी थी। बट अब ये कई प्रोडक्ट्स टेस्ला के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरर्स करती है, जैसे पावर वॉल, जो कि घरों में एनर्जी स्टोर करने के लिए लगाए जाते हैं बैकअप पावर के लिए, पावर पैक, ये छोटे छोटे बिजनेसेस को इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करने के काम आते हैं, मेगा पैक, एक्चुअल में ये बैटरी स्टोरेज पावर स्टेशन होते हैं, जो कई घरों को इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करा सकते हैं, इवन कंपनीज को भी। इसके अलावा ये घरों में सोलर रूफ और सोलर पैनल्स लगाते हैं, जिससे कि फॉसिल फ्यूल्स की कोई नीड नहीं रहती है। दी बोरिंग कंपनी, आजकल ट्रैफिक कितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है, बट क्या आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है? तो नहीं, लेकिन इलॉन के पास है द बोरिंग कंपनी। 17 दिसंबर 2016 को बनाई गई ये कंपनी एक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड टनल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि ट्रैफिक को जड़ से खत्म कर देगी। ये अंडरग्राउंड टनल बनाएगी, जिसमें गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, हाई स्पीड होगी, वेदर का कोई इफेक्ट होगा नहीं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इलेक्ट्रिक सिस्टम होगा। लॉस वेगास में ये कंपनी 2 टनल्स बनाकर सक्सेसफुली टेस्ट कंप्लीट कर चुकी है, और अब ये एक ऐसी मशीन बना रही है जो 1 हफ्ते में 1 माइल्स जितनी टनल्स खोद देगी, जिससे इस प्रोजेक्ट को बहुत कम समय में कंटिन्यूसली कंप्लीट किया जा सके और ट्रैफिक की प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके। हाइपरलूप, हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ट्रांसपोर्टेशन का रुख ही बदल देगी। इसमें बैठकर आप सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर पाओगे, यानी साउंड की स्पीड से। इसकी स्पीड आसमान में उड़ रहे प्लेन से भी ज्यादा होगी। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा और ये वर्क कैसे करेगा, ये सब आप जान सकोगे हमारी इस वीडियो में,
जिसमें मैंने सारी चीजें डिटेल्स में बताई हैं, जिनको मैं दोबारा इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहता। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। न्यूरा लिंक, एक बार आप सोच के देखो कि आपका कंप्यूटर आपसे 4 फीट दूर रखा हुआ है और आप उसे बिना टच किए चला रहे हो। आप जो भी सोच रहे हो आपका कंप्यूटर वो ही कर रहा है। एंड इसके अलावा आपके पैर नहीं है बट आप चल पा रहे हो, आपके हाथ नहीं है बट आप सब कुछ कर पा रहे हो। क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये सब पॉसिबल है न्यूरालिंक चिप की मदद से, जिसकी फुल डिटेल्स वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में।